हेलो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले वरुण धवन की बेडिया मूवी का ट्रेलर आया और लोगों को बहुत ही पसंद आया। लेकिन ये मूवी की एक खास बात है, ये मूवी सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी मूवी ही नहीं है बल्कि एक यूनिवर्स का पार्ट है और ये यूनिवर्स का नाम है विजल्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में आई स्त्री मूवी जिसकी अंदर लीड रोल थी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव। और उसके बाद 2021 में आई रूही मूवी और उसके लीड रोल में थे जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव। दोनों में राजकुमार राव अंदर थे। और उसके बाद अभी भेड़िया रिलीज होने वाली है और ये यूनिवर्स आगे और मूवीज लाने वाला है। और ये यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज़ की बात करें तो ये इसके अंदर मुंजा, स्त्री टू, पिशाच एक खूनी प्रेम कहानी, रूही रिटर्न्स, मांझा टू और शमशान घाट जैसी मूवीज़ आने वाली है। अगर हम देखें तो भेड़िया मूवी के अंदर एक सॉन्ग में श्रद्धा कपूर को कैमियो दिखाया गया है, तो जो कंफर्म ये कर देता है कि भेड़िया मूवी के अंदर एक कोई पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जिसमें स्त्री टू का कोई ना कोई कनेक्शन बताया गया होगा। या वहीं बात करें कुछ कैरेक्टर्स की जो हमें कई मूवीज़ में दिख चुके हैं, जैसे कि राजकुमार राव, वो रूही में भी थे और स्त्री में भी थे। वैसे ही अभिषेक बैनर्जी जो हमें भेड़िया मूवी में भी दिखने वाले हैं और स्त्री मूवी में भी थे। तो अगर ये अगर मल्टीवर्स है तो शायद इसके अंदर कौन से मल्टीवर्स का हो सकता है कि ये बंदा ये यूनिवर्स का है, ये बंदा ये यूनिवर्स का है। अगर ये सिंगल यूनिवर्स का है तो शायद से ये आगे जाके एक डबल रोल वाला आइडिया ला सकते हैं। या अगर डबल रोल वाला आइडिया नहीं होगा तो या कोई ना कोई एक मूवी के जो कैरेक्टर है उसको वो हटा के साइड में रख देंगे कि ये मूवी के अंदर ये वाला बंदा है वो आगे फ्यूचर में दिखेगा। और जो साइड में अगर कोई दूसरा मूवी का जो कैरेक्टर था, जैसे राजकुमार मूवी का अगर स्त्री वाला कैरेक्टर वो है तो आगे डेवलप होगा। अगर वो रूही वाला है तो रूही वाले को साइड में लोग रख सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और ये जितनी भी सारी मूवीज़ बनेगी वो लास्ट में एक एपिक मूवी होगी जो इसमें ये सभी कैरेक्टर एक सिंगल स्क्रीन पर हमें देखने मिलेंगे। और ये सभी के अंदर एक लास्ट में एक ऐसा बड़ा विलन होगा जो हमें शायद से दिखाया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मूवी में इसका हिंट दिया जा सकता है। तो होपफुली हम देखना चाहेंगे कि लास्ट में एक ऐसी मूवी हो जिसमें इन सभी का एक एपिक क्लैश हो, जैसे कि हमने एवेंजर एंड गेम देखी थी। हाँ, मान सकते हैं कि इतनी बड़ी नहीं होगी ये मूवीज़ का यूनिवर्स, लेकिन हम देखना तो चाह ही सकते हैं। तो आप ये यूनिवर्स के लिए कितने बेताब है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा और कमेंट में